गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे अगेन वी डू द स्टोरी सम्स एडिशन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक फिर से है स्टोरी सम्स एडिशन। पिछले दो वीडियो से मैं आपको यही बता रही हूँ स्टोरी सम्स। इसमें मैंने आपको दो स्टोरीज इससे पहले बताई थी, उससे पहले भी मैंने आपको दो स्टोरीज बताई थी, उनके स्टेटमेंट लिखना बताया था। आज मैं आपको फिर से टू स्टोरीज हैं मेरे पास, जिसमें एक मैं आपको करके बताऊँगी, दूसरा आपको खुद से करनी है। मैं स्टेटमेंट समझा दूँगी, लिखूँगी मैं नहीं, उसका आंसर आपको खुद से लिखना है कि क्योंकि अब तक आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी और आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। पहली स्टोरी क्या है? देयर आर 1717 बनानाज एंड 2424 एप्पल्स इन अ बास्केट। How many fruits are there in the basket? There are 17 bananas and 24 apple in a basket. How many fruits are there in the basket? Okay? तो एक basket में 17 bananas हैं और 24 apples हैं, दोनों एक ही basket में रखे हुए, तो total fruits कितने हैं? तो मैंने पहले भी बताया कि जब हम दो अलग अलग नाम लेते हैं, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो अलग अलग कलर्स के नाम, लेकिन जब हम टोटल करते हैं तो सिंपल बोलते हैं कलर्स। उसी तरह से जब हम बर्ड्स, पिजन, स्पैरो, क्रो बोलते हैं तो अलग अलग बर्ड्स का नाम बोलते हैं, लेकिन जब उसको प्लस करते हैं तो बोलते हैं बर्ड्स। यहाँ पर भी बनानाज एंड एप्पल अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रूट्स। स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी? Number of bananas one seven seventeen number of apples 24 total fruits in the बार बार बता रही हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपकी स्टेटमेंट लंबी हो रही है और एरो से आगे जा रही है तो उसे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन द बास्केट, उसी के आगे कंटिन्यू नहीं कीजिए। के एन प्लस कर लेंगे, 7 + 4 11 कैरी, 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 41 फ्रूट्स हैं बास्केट के अंदर। ओके, ये एक तो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के बता दिया। अब मैं दूसरी स्टोरी पढ़ दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, स्टेटमेंट मुँह से बता भी दे रही हूँ, लेकिन मैं लिखूँगी नहीं, उसे आपको खुद से ही लिखना है बिना मम्मी पापा की भी हेल्प के। There are 24 pigeons, pigeons yani kabutar, and 23 crows sitting on a tree. So 24 pigeon and 23 crows sitting on a tree. कहाँ बैठे हुए हैं? Tree पर। How many birds? अभी मैंने बताया कि वो अलग अलग हैं, तो मैंने उनके name लिए, लेकिन जब वो how many, जब मैं दोनों को एक साथ लूँगी all together, तो हो जाएगा how many birds are there on the tree? तो टोटल कितनी बर्ड्स हैं पेड़ के ऊपर? तो यहाँ भी मुझे क्या करना है? प्लस नंबर ऑफ पिजन्स 24, नंबर ऑफ क्रोस 23, टोटल बर्ड्स ऑन द ट्री हो जाएगा। इसे आपको खुद से करना है। ये वाला मैंने समझा दिया है, ये वाला आप खुद से करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखेंगे, तभी आपको स्टेटमेंट लिखना आएगा। इसी के साथ बुक के भी कुछ पेजेस दूंगी, जिसे भी आपको अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू।